There are two general questions of M English Part 2. How to prepare M English Part 2? How to solve its paper? M English Part 2 का optional subject कौन सा select करें? सबसे अच्छा subject linguistics है, मगर practical subject है. Expert teacher तो क्या? इस subject का नालायक teacher भी नहीं मिलता. So, चुप करके short stories select कर लीजिए. M English pass करने के बाद बेशक linguistics as an additional subject फिर से दे दें, university लेगी आपका exam. Fail हो जाएंगे, कोई बात नहीं, पहली वाली degree कायम रहेगी, it's a safe side. अगर लाजिम linguistics की दीवार को टक्कर मारनी है तो राम जी लाल की लिंग्विस्टिक पर सबसे आला बुक है, फेमस पब्लिशर. पार्ट टू में पेपर फोर्थ लिटरेरी क्रिटिसिज्म. दिस इज द सेंटर ऑफ एम ए इंग्लिश पार्ट टू. इसमें एक कंपल्सरी क्वेश्चन आता है, क्रिटिसाइज वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स. एक पोएम की क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखें. आप पोएम को जरूर क्रिटिसाइज करेंगे. सबसे आसान है, मार्क्स सबसे अच्छे हैं, बस आपकी बेसिक इंग्लिश ठीक हो. और इस क्वेश्चन को छोड़ने का मतलब है कि अभी तक यू आर अ बिग जीरो. पेपर चेकर कहता है अगर एक स्टूडेंट 16 इयर्स तक स्कूल लाइफ से यूनिवर्सिटी लाइफ तक एज अ क्रिटिक काम करता रहा है, आप 9th क्लास में पोएम्स की समरी लिखते थे, काम करता रहा है एज अ क्रिटिक, आप खुद बताएं, आप क्रिटिक नहीं तो क्या है? क्या आप साइंटिस्ट हैं? नो, यू आर अ क्रिटिक. और आपने अपने आप को पेश किया है एम ए इंग्लिश लिटरेचर करने का मतलब है यू आर अ गुड क्रिटिक, आप ड्रामाटिस्ट नहीं है. अगर स्टूडेंट 16 इयर्स तक एज ए क्रिटिक काम करता रहा है, आज वो एक सिंगल पोएम को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, ही इज अ बिग फेलियर. वो यूनिवर्सिटी की बेइज्जती है अगर आपको डिग्री देती है. और मेरे स्टूडेंट हैप्पी हेल्दी क्रिटिसाइज करते हैं, दे आर गुड क्रिटिक्स. सब समझा देता हूं इन सम लेक्चर्स. फार्मूलाज हैं, लगाएं बस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एम इंग्लिश पार्ट टू का ताल्लुक अंडरस्टैंडिंग से है, इंटेलेक्चुअल एनेस्टी यानी अकली ईमानदारी से है, दुनिया की बड़ी बड़ी सोचों से है यानी थेरीज से. हर बुक का अपना आसमान है, जमीन तो किसी की नहीं है. हर राइटर एक देवता है, दहला देता है. असल एम इंग्लिश यहां छुपा बैठा है. पार्ट टू दर हकीकत असल बात टीचर के माइंड में है. बुक्स धुंधली हैं, सख्त हैं, खाली खुली हैं. एक साल में कवर करने के लिए 18 आवर्स काम करना होता है पर डे, और जो बाकी 6 आवर्स डे के बचते हैं उसमें आप पर लाजिम है कि आप ख्वाब भी इन्हीं सोचों के, इन्हीं थेरीज के देखें, इन्हीं राइटर्स के देखें, इन्हीं ड्रामास नावल्स करेक्टर्स के देखें. अगर सेल्फ स्टडी करनी है तो मार्केट में जाएं, उर्दू बाजार से उर्दू बाजार में मौजूद तमाम की बुक्स परचेज कर लें. कोई टॉपिक किसी बुक में साफ समझ आता है तो कोई दूसरी बुक में. किसी बुक में आइडियाज अच्छे हैं और आइडियाज अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, मगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी काम के नहीं. किसी बुक में पास्ट पेपर सॉल्व हैं, ऊपर खूबसूरत सवाल लिखे हुए हैं, नीचे आंसर है, मगर ये सवाल और ये आंसर दो डिफरेंट चीज़ें हैं, आपस में मुताबकत नहीं रखते, आप कंफ्यूज होते हैं जो सवाल किया जवाब कहाँ है. 70% तो पेपर में आने वाले सवालों की एवरेज स्टूडेंट को समझ ही नहीं आती. की बुक्स में नेट से
मटेरियल कॉपी पेस्ट कर दिया जाता है तो आप पास्ट पेपर्स एंड ऑल काइंड ऑफ बुक्स परचेज करें और स्टार्ट योर स्टडी। लिसन केयरफुली, एम इंग्लिश पार्ट टू दो तरह से होता है। एम इंग्लिश पार्ट टू दो तरह से होता है, विद अंडरस्टैंडिंग एंड विदाउट अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, अगर अंडरस्टैंडिंग के साथ एम इंग्लिश करना है, जो बुक्स मैंने भेजी हैं रीड देम वेल, लिसन दीज ऑडियो लेक्चर्स वेल जो मैंने भेजे, एंड जो थोड़े से मैंने नोट्स भेजे हैं इनको अच्छी तरह याद कर लें, समझ आ जाएगी, ऑडियो लेक्चर्स हैं सर। दूसरा तरीका है विदाउट अंडरस्टैंडिंग। विदाउट अंडरस्टैंडिंग, समझे सोचने समझने के बगैर आपने एमए करना है पार्ट टू, सिर्फ नोट्स मंगवा लें, ब्रीफ है, मुख्तसर है, याद कर लें, पास हो जाएंगे। फर्स्ट राउंड में विलियम ब्लेक पोएट्री में, ड्रामा में हेडा गाबलर, नावल हार्ट ऑफ डार्कनेस, क्रिटिसिज्म में पोएटिक्स अरिस्टोटल की, और साथ थ्री शॉर्ट स्टोरीज तैयार कर लें। मैं पहले लिंग्विस्टिक पढ़ाता था, अब वो नहीं पढ़ाता, शॉर्ट स्टोरीज भी आप खुद से करेंगे, आसान चीजें आपको खुद करनी चाहिए ताकि आप अच्छे क्रिटिक बन सकें। इस सारी गुफ्तगू की झंझाल की समरी ये है कि आपकी प्रिपरेशन राइप होनी चाहिए। कैसे राइप, कैसे पता चलेगा आपकी प्रिपरेशन राइप है, कंप्लीट है? लेक्चर सुन सुनकर आपको याद हो गए हो, की बुक्स की रीडिंग ऐसी हो, इतनी अच्छी हो कि आपको की बुक की खामियों का भी पता हो, नोट्स आपके रंगीन हो चुके हो, आपने मेरे नोट्स के ऊपर खुद एडिशन किया हो अपने मिजाज के मुताबिक, कोई सेंटेंस लिखा हो, कोई अच्छी बात लिखी हो, कोई कोट लिखा हो। मैंने इन नोट्स पर 10 ईयर्स स्पेंड किए हैं, अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाया। दीज नोट्स आर पॉइंट बेस्ड, थोड़े से हैं, आप इसमें एडिशन कर सकते हैं। नॉर्मल आपको लगे कि आपको कुछ नहीं आता, ये अलामत है कि आप रेडी हैं। नॉर्मल लगता है कि आपको कुछ भी नहीं आता, लेकिन अगर आप लिखने बैठे तो पेन धाड़े मारे, पेज रोने लगे, सुकड़ने लगे, पेन की नोक से लफ्ज खुद ब खुद फूटने लगे, चीखने लगे कि मुझे क्यों निकाला, आपकी प्रिपरेशन तब कंप्लीट है। याद रखे, पार्ट टू का ताल्लुक रट्टे से नहीं, याद से नहीं, बल्कि एक कैफियत से है। पार्ट टू की प्रिपरेशन का ताल्लुक एक कैफियत से है, आप एक कैफियत में आ जाते हैं। हर दौर में देखा है मेरी चश्मे शऊर ने, कुछ लोग जमाने में खुदावंद रहे हैं, फिर लोग पूछते हैं जनाब हमें भी बताएं कि आप क्या पढ़ते रहते हैं। कैफियत से जवाब आता है, ना कैसा की बहार आने के दिन है, जिगर के चाक खुल जाने के दिन है, राज़े मोहब्बत तुमको क्या बतलाएं, तुम्हारे खेलने खाने के दिन है। अभी तुम्हारे खेलने खाने के दिन है, तुम हमसे ये राज मोहब्बत, एम इंग्लिश की मोहब्बत के राज मत पूछो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व द पेपर, पेपर कैसे सॉल्व करें। एग्जामिनेशन सेंटर में आप बैठे हैं, क्वेश्चन पेपर आपके सामने है, एक क्वेश्चन पर फोकस करें, बॉल पॉइंट से जो वर्ड यह फ्रेज आपको समझ आ रहा है अंडरलाइन करें, उस सवाल में जो समझ नहीं आता छोड़ दें। क्वेश्चन के अंडरलाइन पार्ट्स को आपस में
تناسب دیں، ملائیں، کنسیڈر کریں کہ یہ پوچھا جا رہا ہے، کنسیڈر کرنا ہے یہ پوچھا جا رہا ہے، اینڈ اسٹارٹ یور آنسر ود یور فیوریٹ آئیڈیالوجی، جو آپ کو اچھی لگتی ہے اس بک کی بات، وہاں سے بات شروع کیجئے۔ کوشچن سے متعلق بھی رہیں، جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہے اس کے متعلق بھی رہیں، آنسر لکھتے لکھتے سوال پر بھی فوکس کرتے رہیں، دیکھتے رہیں سوال کو، چیزیں نئی سے نئی نمودار ہوں گی، ایمرج ہوں گی، جواب بن جائے گا۔ آپ بھی آئیے ہم کو بھی بلاتے رہیے، دوستی جرم نہیں دوست بناتے رہیے، شکل تو آپ کے ذہن میں ہوگی کوئی، کبھی بن جائے گی تصویر بناتے رہیے۔ ہیڈنگ نہیں دینی، کوٹیشنز ہائی لائٹ کرتے رہیں، پیراگراف ہائی لائٹ کرتے رہیں، سمارٹ ورک کریں، آنسر کے سینٹر میں یا سٹارٹ میں یا اینڈ پر 8 to 10 پوائنٹس ایک ایک لائن کے بنا دیں، جیسے کہ ہیڈا کے کریکٹر میں کیا کیا آفتیں چھپی ہیں، 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ہائی لائٹ کر دیں، نیچے 10 پوائنٹ بنا دیں۔ پیپر چیکر آئے گا، وہ پڑھتا جائے گا بلا 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 بلا، آپ کو مارکس دے گا اچھے، دیٹ از اے نیو ٹرینڈ۔ لیکن آپ کی رائٹنگ ایسی ہونی چاہیے، میچور، ایسا انداز لکھنے کا ہو کہ لگے کوئی کالمسٹ بیٹھا ہوا ہے، کوئی جرنلسٹ ہے، کوئی کریٹک ہے، پوائنٹ بیسڈ بات کرتا ہے، اپنے ٹائم کے اندر رہنا ہے۔ پھر آپ نے لیکچرشپ بھی تو کرنی ہے، کرنی ہے نا، یا پرائیویٹ ایز اے ٹیچر کام کرنا ہے، پیسہ کمانا ہے۔ لیکچرشپ کے انٹرویو میں سوالات پارٹ 2 سے متعلق ہوتے ہیں، پارٹ 2 پر آپ کی صحیح گرپ ہونی چاہیے، لازم ہے کہ کوئی گرو ہونا چاہیے، نوٹس اینڈ آڈیو لیکچرز آپ کا ساری عمر ساتھ دیں گے، ایز اے پرائیویٹ ٹیچر آپ کام کر رہے ہوں یا ایز اے گورنمنٹ لیکچرر۔ بہت سارے ٹیچر ایسے ہیں جو آڈیو لیکچر سنتے ہیں اور کلاس میں اپنی زبان سے سب ڈیلیور کر دیتے ہیں، کلیپنگ گیدر کرتے ہیں اور ساتھ 40,000 بھی گیدر کر لیتے ہیں پر منتھ۔ جن اسٹوڈنٹس کی آبجیکٹیو ہے، یو او ایس کے اسٹوڈنٹ ہیں، آبجیکٹیو الگ سے تیار کوئی نہیں کر سکتا، کوئی یاد نہیں کرتا، ریڈنگ ہو سکتی ہے آبجیکٹیو کی، لیکن نوٹس اور آڈیوز میں اتنی انفارمیشن ہے کہ سارا آبجیکٹیو کور ہو جاتا ہے۔ آپ کو شارٹ کوشچنس کے آنسر دینے کے لیے سیلف رائٹنگ آنی چاہیے، کریٹو رائٹنگ کا کورس وہ لوگ ضرور کریں جن کو بیسک انگلش لکھنی بھی نہیں آتی، اس کے باوجود بھی وہ یونیورسٹی سے پاس ہو کر پارٹ 2 میں آ گئے ہیں۔ میرے 3 سینٹر ہیں جہاں مجھ سے فیس ٹو فیس کوچنگ لیں، ویکلی ٹیسٹ ہوتا ہے، وہاں پر پورے شہر سے اسٹوڈنٹ اکٹھے ہوتے ہیں، کراس کوشچنز ہوتے ہیں، 1 بحریہ ٹاؤن، 2 جوبلی ٹاؤن کھنال روڈ، 3 چوک یتیم خانہ لاہور، یہ 3 سینٹر لاہور میں ہیں۔ ہاسٹلز موجود ہیں، جو لوگ باہر سے آتے ہیں، اسپیشلی گرلز ہاسٹل بھی موجود ہے، وہاں رہتے ہیں، ٹیسٹ چیز کرتے ہیں، کوچنگ لیتے ہیں، نوٹس آر ان 4,000، نوٹس پلس بکس کا بنڈل منگوائیں گے 10,000، آڈیو لیکچرز اینڈ 20,000، واٹس ایپ پر وائس میسج کرنا ہے یا لکھ کر میسج کرنا ہے، واٹس ایپ سے کال نہیں کرنی، دیز آر دا مینرز آف واٹس ایپ۔ اب کمیونیکیشن کے مینرز یہ ہیں کہ آپ ڈائریکٹ کسی کو کال نہیں کرتے، ان کیس آف ایمرجنسی صرف آپ کرتے ہیں۔ مائی واٹس ایپ نمبر از 0333465305۔